माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेंटरी मैनेज करना। यहां पर हमने एक मोबाइल स्टोर का उदाहरण लिया है। आप देखेंगे यहां पर दो टेबल दिए गए हैं। टेबल टू में यहां पर प्रोडक्ट वाइज सेल्स और परचेज की एंट्रीज की जाएंगी और यहां टेबल वन में प्रोडक्ट वाइज इन्वेंटरी मेंटेन होते रहेगी। तो यहां एंट्री लिस्ट में हम एक एंट्री करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम एंटर करेंगे डेट और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे परचेज या सेल्स। यदि हम सेल्स के लिए एंट्री कर रहे हैं तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स और परचेज की एंट्री हम कर रहे हैं तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे परचेज। तो यहां पर हम फिलहाल सेलेक्ट करेंगे परचेज और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कोड, जिस भी प्रोडक्ट की हम एंट्री करना चाहते हैं। तो यहां पर हम प्रोडक्ट कोड लेंगे ये 105। ये आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट कोड है J105, इसकी परचेज क्वांटिटी है भी 5 और यहां बैलेंस क्वांटिटी भी 5 है। तो हम यहां पर इसको सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहां पर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट नेम आ गया है और यहां पर उसका प्राइस आ गया है। ये आप यहां इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहां पर हम क्वांटिटी एंटर करेंगे परचेज क्वांटिटी, तो हम यहां पर एंटर कर देते हैं 10 और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट हो गई है इस प्रोडक्ट के लिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रोडक्ट की परचेज क्वांटिटी हो गई है 15 और क्योंकि अभी तक यहां पर कोई भी सेल्स नहीं की गई है तो यहां बैलेंस में भी क्वांटिटी है 15। अभी यहां पर हम इसी प्रोडक्ट के लिए एक सेल्स की एंट्री करेंगे। तो यहां पर हम डेट एंटर करेंगे और यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स और यहां से सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कोड। तो यहां पर हम ये सेम प्रोडक्ट लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहां पर प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिकली आ गया है और यहां पर प्राइस। तो सेल्स क्वांटिटी हम यहां पर एंटर कर देंगे। यहां पर हम क्वांटिटी एंटर कर देते हैं 12 और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेल्स क्वांटिटी आ गई इस प्रोडक्ट के लिए 12 और बैलेंस क्वांटिटी अब हो गई है 3। यहां पर आप कोई नया प्रोडक्ट भी इस इन्वेंट्री लिस्ट में एंटर करेंगे तो वो यहां ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। जैसे हम यहां पर कोई नया प्रोडक्ट एंटर कर लेते हैं, यहां पर नेम टाइप कर लेंगे उस प्रोडक्ट का। जैसे हम यहां पर टाइप कर देते हैं Redmi 123 और यहां पर प्राइस टाइप कर देंगे। अब यहां पर हम इस प्रोडक्ट के लिए एंट्री करेंगे, यहां डेट एंटर करेंगे, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे परचेज और यहां पर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे लास्ट में ये प्रोडक्ट यहां पर ड्रॉप डाउन में शो हो गया है। इस प्रोडक्ट को हम यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिकली आ गया है और यहां पर उसका प्राइस आ गया है। यहां पर हम क्वांटिटी एंटर कर देंगे 100 और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर परचेज क्वांटिटी अपडेट हो गई है 100। यहां पर आप देखेंगे परचेज क्वांटिटी का टोटल शो होते रहेगा, यहां पर सेल्स क्वांटिटी का टोटल और यहां पर बैलेंस क्वांटिटी का टोटल। तो आइए सीख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वेंटरी मैनेज करना। यहां पर ये हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट है जिन भी प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। आप भी इसी तरह प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार कर लेंगे। इस लिस्ट में प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और प्राइसेस दिए गए हैं क्योंकि हम यहां पर इन्वेंटरी मैनेज करेंगे। तो यहां पर हेडिंग टाइप करेंगे परचेज, सेल्स, बैलेंस और यहां पर वैल्यू। अब यहां पर हम इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां होम पर जाएंगे, यहां फिल कलर पर जाकर कोई कलर फिल कर लेंगे, यहां से बोल्ड कर देंगे। अब ये पूरे डेटा को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, होम पर जाएंगे और यहां से ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे। ये कॉलम सी की विड्थ को हम एडजस्ट कर देंगे यहां पर डबल क्लिक करके और अब ये प्राइस से लेकर इन सभी सेल्स को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में लाइन कर देंगे। अब यहां पर हम एंट्री लिस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम यहां पर हेडिंग्स टाइप कर लेंगे। पहली हेडिंग है डेट और दूसरी हेडिंग है टाइप। यहां पर कोड, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू
यहाँ पर हम सेल्स और परचेज की एंट्री करेंगे। ये डेट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ये टाइप वाले कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और ये प्रोडक्ट वाले कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से ये कॉलम ए की विड्थ को थोड़ा कम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डेटा टाइप पर जाएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लिस्ट को अलाउ करेंगे और यहाँ सोर्स बॉक्स में हम टाइप कर देंगे सेल्स परचेज। यहाँ पर हम टाइप करेंगे परचेज कॉमा स्पेस और सेल्स और यहाँ से ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है परचेज और सेल्स के लिए। यहाँ पर हम परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट कोड के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट कोड वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डेटा टाइप पर जाएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अलाउ मेन लिस्ट को अलाउ करेंगे, सोर्स बॉक्स में डायरेक्ट सेल रेफरेंसेस दे देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट कोड के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हम किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट कोड के लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग करेंगे। इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। इसके लिए ये प्रोडक्ट कोड वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। इसके लिए ये डेटा टेबल को हम सिलेक्ट कर देंगे प्राइस तक, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट नेम है यहाँ पर दूसरे कॉलम में। यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट कोड चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट नेम भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्राइस के लिए भी VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इस फंक्शन को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इस फंक्शन को विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके। ये लुकअप वैल्यू में हम कॉलम नंबर को फिक्स करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 3 बार F4 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम नंबर से पहले डॉलर का साइन आ गया है। और अब हम यहाँ पर इन रेंज को जो टेबल अरे है फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे, एंटर करेंगे और अब हम यहाँ से इस फंक्शन को इधर ड्रैग कर लेंगे। अब देख सकते हैं प्राइस में भी प्रोडक्ट नेम आया हुआ है। अब यहाँ पर हम कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। तो F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल करेंगे और यहाँ प्राइस है क्योंकि हमारा थर्ड कॉलम में, तो यहाँ 2 की जगह हम 3 कर देंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का प्राइस भी आ गया है। क्वांटिटी हम मैन्युअली टाइप करेंगे, वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और ये क्वांटिटी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और ये प्राइस वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्वांटिटी टाइप करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर हम कोई एक डेट टाइप कर देंगे, क्वांटिटी हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर 100। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइस भी आ गया है। अब यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हम ये परचेज में समिप्स फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो ये परचेज वाली फर्स्ट सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, समिप्स टाइप करेंगे। ये देखिए समिप्स फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। समिप्स फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है सम रेंज। इसके लिए हम यहाँ पर ये क्वांटिटी वाले पूरे कॉलम को यहां से सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। इसके लिए हम यहां पर ये कोड वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया 1। इसके लिए हम यहां पर ये इन्वेंटरी लिस्ट में फर्स्ट कोड को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 2। इसके लिए हम यहां पर
ये टाइप वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू के लिए हम यहां पर डबल कोटेशन के अंदर टाइप कर देंगे परचेज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहां से इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और ये फॉर्मूले को नीचे तक ट्रैक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रोडक्ट का क्वांटिटी आ गया है 100, जिसकी एंट्री अभी हमने यहां पर की थी। इसी तरह से अब हम यहां पर सेल्स के लिए समिप्स फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहां पर हमें समिप्स फंक्शन दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल कर लेंगे और यहां पर इन रेंज को हम फुल्ली फिक्स्ड कर लेंगे। F4 प्रेस करके इन रेंज को भी हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। इन रेंज को भी हम यहां पर सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे और यहां क्राइटेरिया में हम केवल कॉलम को फिक्स करेंगे। तो यहां पर हम इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और 3 बार F4 प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर कॉलम नंबर से पहले डॉलर का साइन आ गया है, एंटर करेंगे। अब यहां से हम फॉर्मूले को इधर ड्रैग कर लेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल करेंगे और ये परचेज की जगह हम टाइप कर देंगे सेल्स। तो यहां पर क्राइटेरिया आ जाएगा सेल्स और एंटर कर देंगे। यहां से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। यहां से भी हम इस सेल को सिलेक्ट करके नीचे तक ट्रैक कर देंगे। अब मान लीजिए यहां पर परचेज की जगह हम कर देंगे सेल्स। आप देख सकते हैं ये एंट्री अब यहां पर सेल्स में आ गई है। फिर से हम यहां पर परचेज कर देंगे। यहां बैलेंस के लिए हम परचेज में से सेल्स को माइनस करेंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे, ये परचेज वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और ये सेल्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां से इसको नीचे तक ट्रैक कर देंगे। वैल्यू के लिए हम यहां पर बैलेंस क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे, ये बैलेंस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और ये प्राइस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब हम यहां से इसको नीचे तक ट्रैक कर देंगे, तो यहां पर सभी प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आती रहेगी। अब यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग्स के साथ, होम पर जाएंगे, यहां बॉर्डर्स पर जाकर ऑल बॉर्डर्स करेंगे और सेंटर में अलाइन करेंगे। यहां हेडिंग्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहां से कोई कलर ले लेंगे। यहां पर हम लेंगे ये कलर, यहां से फोन कलर करेंगे व्हाइट, होल्ड कर देंगे। अब यहां पर हम इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, अब देखिए यहां पर माई टेबल हैज हेडर्स के सामने बने चेकबॉक्स को चेक ही रहने देंगे क्योंकि हमारे डेटा टेबल में हेडर्स दिए गए हैं। यहां से ओके करेंगे, यहां टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे। यहां से कोई भी टेबल डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां से कोई भी टेबल डिजाइन नहीं रखना चाहते हैं तो हम यहां क्लियर पर क्लिक कर देंगे और ये फिल्टर को यहां से रिमूव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर देंगे, ये फिल्टर भी यहां से रिमूव हो जाएगा। अब यहां पर हम एक एंट्री सेल्स के लिए करेंगे। ये देखिए यहां पर हमने जैसे ही एंट्री की तो यहां पर एरर शो हो गया है क्योंकि अभी तक यहां पर कोई भी लुकअप वैल्यू नहीं दी गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में हम इफ एरर फंक्शन लगा देंगे। तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल करेंगे और ये वी लुकअप से पहले इफ एरर फंक्शन लगा देंगे और लास्ट में हम कॉमा लगाएंगे, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह से प्राइस में भी हम इफ एरर फंक्शन का उपयोग करेंगे, लास्ट में कॉमा लगाएंगे, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। वैल्यू में भी हम यहां पर इफ एरर फंक्शन लगा देंगे, तो F2 प्रेस करेंगे,
यहां पर देखिए इक्वल के बाद में इफ एरर टाइप करेंगे और यहां पर हम कॉमा लगाएंगे, ब्लैंक के लिए दो बार डबल कोटेशन टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहां पर लुकअप वैल्यू नहीं भी रहेगी तो एरर शो नहीं होगा। यहां पर हम टाइप में करेंगे सेल्स और प्रोडक्ट कोड लेंगे हम सेम 105 और यहां पर क्वांटिटी लेंगे हम 50, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये प्रोडक्ट की बैलेंस क्वांटिटी अब रह गई है 50, क्योंकि परचेज है यहां पर 100 और सेल्स हो गया है ये प्रोडक्ट 50। इसी तरह से हम यहां पर एक के बाद एक एंट्री करते जाएंगे। अब यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, मर्चेंट सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, फिल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ कलर टू में हम ये कलर ले लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। होम पर जाएंगे, बॉर्डर्स पर जाएंगे और यहाँ से ये टिक आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे एंट्री लिस्ट, सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, होम पर जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देंगे, ये फॉन्ट लेंगे हम। इसी तरह से हम यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, मर्जेंट सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ फिल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ कलर टू में हम यहाँ पर ये कलर लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, होम पर जाएंगे, यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे। इसमें हम टाइप करेंगे इन्वेंट्री लिस्ट, फिर से सेल को सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ से फोन चेंज कर लेंगे, ये फोन लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ एंट्रीज और कर लेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी लेंगे 10 और एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी आ गई है 10। इसी प्रोडक्ट में हम एक और परचेज की एंट्री करेंगे, यहाँ पर लेंगे परचेज, प्रोडक्ट लेंगे सेम, अभी इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 10, यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे 20 और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट की परचेज क्वांटिटी अब हो गई है 30। अब हम यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इस डेटा टेबल को भी हम यहाँ पर एक्सेल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, टेबल डिजाइन पर जाकर डिजाइन क्लियर कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके फिल्टर रिमूव कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे तो वो यहाँ एंट्री लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट आ गया है जिसका कोड है 115, यहाँ प्रोडक्ट नेम टाइप कर लेंगे, मान लीजिए नोकिया 1 और यहाँ पर प्राइस है उसका 7000। अब यहाँ प्रोडक्ट कोड में हम उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट कोड आ गया है 115, क्लिक करेंगे इस पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया है नोकिया 1, इसका क्वांटिटी अब यहाँ पर आ गया है 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से कोई नया प्रोडक्ट भी आपके पास ऐड होता है तो वो यहाँ आप इन्वेंट्री लिस्ट में ऐड करेंगे तो वो एंट्री लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, ये फर्स्ट रो की हाइट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यहां तक और होम पर जाएंगे, मर्जेंट सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे। इसमें हम ये कलर फिल कर लेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे एबीसी मोबाइल स्टोर, सेल को फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहां से फॉन्ट चेंज कर लेंगे, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट, फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहां से मिडिल में अलाइन कर देंगे। अब यहां पर हम परचेज सेल्स और बैलेंस क्वांटिटी के रनिंग टोटल के लिए सम फंक्शन का उपयोग करेंगे।
इसके लिए हम यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल परचेज क्वांटिटी और यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये परचेज वाली रेंज को पूरा सिलेक्ट कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। सेल को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, यहाँ से सेंटर में अलाइन कर देंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और मर्ज इन सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे टोटल सेल्स क्वांटिटी। इसके नीचे वाली सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर सम फंक्शन लगा देंगे सेल्स के टोटल के लिए। इसी तरह से हम यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल बैलेंस क्वांटिटी। इन सेल्स को भी हम मर्ज कर लेंगे, सम फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये बैलेंस वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल परचेज क्वांटिटी है 130, जिसमें से 50 सेल हो गया है, तो बैलेंस क्वांटिटी है 80। अब यहाँ पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, फिल कर लेंगे यहाँ से ये कलर, फॉन्ट कलर करेंगे वाइट, यहाँ से बोल्ड करेंगे। नीचे वाली सेल को भी हम यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, यहाँ से ये कलर फिल कर लेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे वाइट, बोल्ड करेंगे और ये थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से इस सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह की फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर इन सेल्स में भी कर लेंगे। अब यहाँ व्यू पर जाएंगे और ये एक्सेल ग्रिड लाइंस को हाइड करने के लिए यहाँ ग्रिड लाइंस के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे, तो यहाँ से ये ग्रिड लाइंस भी हट जाएंगी। अब यहाँ एंट्री लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट की आप एंट्री करेंगे उसकी इन्वेंट्री यहाँ इन्वेंट्री लिस्ट में ऑटोमेटिकली मैनेज होती जाएगी और यहाँ पर रनिंग टोटल आते जाएगा सभी का। जैसे एक एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं, अभी ये परचेज क्वांटिटी है यहाँ पर 130, यहाँ पर हम परचेज के लिए एक एंट्री और कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने डेट एंटर की तो फॉर्मेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे परचेज और ये परचेज यहाँ पर हम और यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे नोकिया, ये 150। अब देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है नोकिया 1। क्वांटिटी हम यहां पर एंटर कर देंगे 100 और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर नोकिया 1 की परचेज क्वांटिटी अब हो गई है 120, क्योंकि 20 हमने पहले परचेज में एंटर की थी और यहां पर टोटल परचेज क्वांटिटी अब आ गया है 230 और यहां बैलेंस क्वांटिटी अब हो गया है 180। इस तरह से बड़ी आसानी से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।